Hello dear students, good evening and hope you will be fine. चलिए शुरुआत करते हैं बेटा, ठीक है? और शुरुआत हम करते हैं शेरशाह सूरी, यही चल रहा था ना, तो यानी इंडियन हिस्ट्री मिडाइवल पीरियड, और हम मुगल पढ़ रहे थे. मुगल के बीच में 15 साल के लिए सूर डायनेस्टी आया. उस सूर डायनेस्टी में हम शेरशाह सूरी को सिर्फ पढ़ेंगे, तो शेरशाह सूरी में आधी कहानी उसकी पढ़ चुके हैं, आधी हकीकत जो और बाकी है वो पढ़ना है. तो शेरशाह सूरी 1540 से 45 आगरा कैपिटल था, यहाँ से शासन किया. हमने उसके कंस्ट्रक्शन वर्क डील कर दिए एक्सेप्ट सड़क है आज. दूसरा, हमने उसके बुक्स के बारे में बात कर ली. दो बातें हो चुकी है, जरा आगे की बात करें. शेरशाह सूरी ने अपने राज्य में एक सड़क का निर्माण किया जिसकी लंबाई 1500 माइल, लगभग 2300 किलोमीटर 2300 किलोमीटर्स थी. 1500 माइल 2300 किलोमीटर. इस सड़क का आरंभ वर्तमान बांग्लादेश के ढाका के नज़दीक सोनार गांव से होता था. सोनार गांव से यह सड़क आगे बढ़ करके आता और फिर पहुंच जाता था आज के पाकिस्तान के पेशावर तक. सोनार गांव से पेशावर तक. अब जरा गौर फरमाएं, सोनार गांव से कहां कहां आता? वर्धमान, जगह है वर्धमान, वहां आता मुर्शिदाबाद. फिर उसके बाद वहां से वो सड़क पटना, पटना से सासाराम, सासाराम से मिर्जापुर, चुनारगढ़, फिर उसके बाद अलाहाबाद. शहर तो नहीं जाता पर अलाहाबाद से गुजरता. फिर ये आ जाता कहाँ? वाराणसी, अलाहाबाद के पास. तो अलाहाबाद अब आ गया तो वाराणसी पीछे छूट गया, तो वाराणसी नहीं, अलाहाबाद. उसके बाद इंपॉर्टेंट है कानपुर, कानपुर से आगरा, आगरा से दिल्ली, दिल्ली से अमृतसर, अमृतसर से लाहौर, ठीक है, और लाहौर से पेशावर. ये था. अब आइए, आगरा से इसका एक ब्रांच साउथ की ओर आता और मध्य प्रदेश के बुरहानपुर तक जाता, जो बॉर्डर है महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का, बुरहानपुर. दूसरा, आगरा से एक रोड वेस्ट की ओर जाता जो चला जाता कहां? जोधपुर, उसके बाद अजमेर, और नीचे जो चित्तौड़गढ़ था वहां आता. दो सड़कें यहां से निकली, आगरा से एक बुरहानपुर एमपी की ओर और एक पश्चिम की ओर चली गई, जो कहां गया? जोधपुर, अजमेर, ठीक है ना, और फिर हम देखते हैं आ जाता था कहां? चित्तौड़गढ़. अब आगे चले, लाहौर से इसकी एक शाखा मुल्तान के लिए जाती थी. क्लियर? इस सड़क का नाम सड़क ए आजम, आजम मतलब मुख्य, चीफ, और इसे ही कहते हैं सड़क ए आजम और शेरशाह सूरी मार्ग. पॉइंट क्लियर? अब आइए, इन सड़क के दोनों किनारे इसने छायादार पेड़ लगवाए. प्रत्येक 8 कोस पर यानी कि 24 किलोमीटर डिस्टेंस मेजर करने की आज भी एक यूनिट है जिसको कोस कहते हैं. एक कोस में आज के हिसाब से देखें तो 3 किलोमीटर होता है. तो प्रत्येक 8 कोस पर, 8 × 24 किलोमीटर पर, प्रत्येक 8 कोस पर एक सराय का निर्माण किया. यू नो सराय क्या होता है? एक सराय का निर्माण किया. सराय इंग्लिश में INN, ठहरने का स्थान होता है. और उस सराय में हिंदू मुसलमान सभी धर्म जातियों को ध्यान में रखते हुए दो तरह के बावर्ची होते, खाना बनाते, जहां पर आप अपने घोड़े को, बैलगाड़ी को, खच्चर को, ऊंट को बांध दीजिए, उसको घास वास सब है इंतजाम उसके लिए, प्लस आपके ठहरने का इंतजाम है, बिस्तर उस्तर सब मिलते थे, फिर घास भी घोड़े के लिए मिलता था, खाना पीना का व्यवस्था थी. जैसे आज होटल में रुक जाते हैं ना, और वहीं पर मैकेनिक होता है आपके मोटर को देखने के लिए. एक नया कॉन्सेप्ट आया अमेरिका से, मोटेल, होटल
प्लस मोटर मोटर, तो वो तमाम चीजें थी, पीने का पानी की व्यवस्था सब कुछ थी। तो ये होता था सराय। आज भी हम लोग लाइन होटल वगैरह में रुकते हैं तो वही चीजें थी, तो होटल की व्यवस्था थी। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट कि छायादार पेड़ लगवाया, हर 8 कोस पर इसने जो है ये सराय बनवाया, और हर कोस पर एक मीनार बनाता था, मीनार जिसके ऊपर एक व्यक्ति स्टैंड रहता था और उसकी छतरी भी होती थी। जैसे आज ट्रैफिक पुलिस खड़े होते हैं ना, तो प्रत्येक मीनार पर एक व्यक्ति होता जो जो पत्र लेके दूसरा व्यक्ति आता, उस पत्र को चिट्ठी पत्री को लेता और अपनी लाठी में झोला फंसाता, लाठी में झुनझुना लगा होता था, और वो फिर दौड़ करके अगले कोस मीनार पर चला जाता। हर 3 किलोमीटर पर वहां उधर से आया हुआ व्यक्ति डाकिया यहां वाले डाकिया का चिट्ठी ले लेता और उधर वाले का दे देता, फिर ये वापस आता और उधर से आया हुआ जो आता तो एक दूसरे को फेर बदल कर लेता। इस तरह से चिट्ठियां पहुंचती थी, डाक व्यवस्था कायम थी। कोश मीनार अलाउद्दीन खिलजी ने शुरुआत की थी, जिसे इसने कंटिन्यू किया। तो सड़क ए आजम क्लियर आपका हो गया। अब जरा समझिए, इसी शेरशाह सूरी मार्ग को हम देखते हैं आगे चल करके। ईस्ट इंडिया कंपनी कह लीजिए या ब्रिटिश हुकूमत ने लॉर्ड विस्काउंट कैनिंग के समय 1856 से 62 के बीच में रिनोवेट किया, मरम्मत करवाई, पुनर्निर्माण किया, वाइडाइजेशन चौरीकरण किया और एक्सटेंशन पेशावर टू काबुल किया, तो आज अफगानिस्तान। और नाम कुछ भी नहीं, बस इंग्लिश में रख दिया, सड़क ए आजम का नाम इंग्लिश में हो गया ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड। ग्रैंड ट्रंक यानी बड़ा मार्ग, सड़क ए आजम। तो ये है। तो जब बोले शेरशाह सूरी मार्ग कितने देश में आज है, तो 3 देशों में। जीटी रोड कितने देश में है, तो 4 में। किसके समय जीटी रोड, तो इसी का है, इसको रिनोवेट किया गया। ये आपका सड़क निर्माण हो गया इसका। अब आइए शेरशाह सूरी ने और क्या किया। शेरशाह सूरी ने एक और काम किया कि वह बेटा कि उसने भूराजस्व व्यवस्था को दुरुस्त किया, लैंड रेवेन्यू सिस्टम को अच्छा किया। क्या लैंड रेवेन्यू सिस्टम के लिए देखते हैं हम राजा टोडरमल नाम का एक व्यक्ति है, जो टोडरमल है, टोडरमल को अपने दरबार में रखा। वो रेवेन्यू स्पेशलिस्ट था और जो जमीन की लगान वगैरह नाप जोक का एक्सपर्ट था। तो राजा टोडरमल के नेतृत्व में भूराजस्व विभाग ने पूरे साम्राज्य के जमीन की पैमाइश माप जोख करवाई, यानी मेजरमेंट करवाया। उसकी क्वालिटी को 4 पार्ट में बांटा, क्वालिटी 4 पार्ट में बांटा गया जमीन की, और हर क्वालिटी के हिसाब से उसके एक टैक्स सिस्टम को डेवलप किया गया, माल गुजारी फिक्स की गई। शेरशाह ने कहा था कि जब भी टैक्स लगाइए किसानों से सहमति लेते हुए कि आप इतने पर खुश हैं या और कुछ, जब वो सामूहिक रूप से कह दे कि ये अब ठीक है तो ओके कर ले। लेकिन जब वसूली के लिए जाइए तो किसान पे कोई हमदर्दी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने अपनी इच्छा से इसको की, तो ये रखना, ये कहा गया। अब आइए जरा समझिए, अब क्या होता है उस पर गौर फरमाइए। टोडरमल ने जो काम किया उसको टोडरमल बंदोबस्त कहते हैं, और जमीन को मेजर करके जब आप रेवेन्यू सिस्टम फिक्स करते हैं तो उसे जब्ती, उर्दू की भाषा में जब्ती प्रणाली कहते हैं। सो इट वॉज जब्ती सिस्टम नोन एज टोडरमल सेटलमेंट बंदोबस्त अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ रेवेन्यूज डिपार्टमेंट हेड टोडरमल। अब कितना रेवेन्यू ध्यान देंगे, रेवेन्यू था टोटल क्रॉप्स के प्रोडक्शन का 40%, याद रखिएगा, कुल उत्पादन का 40% लेता प्लस 2.5 किलो अलग से लेता प्रति मन, वो अलग था। ये इमरजेंसी का प्रोविजन था, जैसे आज है ना प्रधानमंत्री केयर्स फंड या कंटिजेंसी फंड, तो उस टाइम में 2.5 किलो, जब भी बाढ़ आए, भूकंप आए, सूखा पड़ जाए, अकाल पड़ जाए, ऐसे डिजास्टर्स के टाइम में सरकार की तरफ से अनाज बांटा जाता था, दिया जाता था, ये मतलब।
राशनिंग सिस्टम थी। तो एक तो ये देख लिया, अब आइए अब अगला पॉइंट होता है जो सेना का रिक्रूटमेंट था उसके लिए भी उसी ने वही काम किया जो अलाउद्दीन ने किया था, दाग और हुलिया। तो दाग और हुलिया व्यवस्था को इसने फिर से लागू कर दिया, ये भी बात सही है। और क्या किया, जितने भी किसान थे हर किसान की उसकी जमीन का डायरेक्शन बाय पेपर लिखवा दिया। जैसे मेरा जमीन ये है तो मेरे नॉर्थ में, मेरे साउथ में, मेरे ईस्ट में, मेरे वेस्ट में किसकी जमीन है, उस जमीन का नंबर क्या है, खाता खेसरा। खाता खेसरा की शुरुआत शेरशाह सूरी से। इसको कहते हैं जमीन की चौहद्दी, चारों दिशाओं का मालूमात करना। और हमारी जमीन गांव के किस डायरेक्शन में है, किसी गांव के बड़े पीपल बरगद का पेड़ हो, कोई धर्म स्थान हो, कोई मंदिर हो, कोई मस्जिद हो, कोई तालाब हो, उससे कहां है, कितनी दूरी पर है, यह सब बताता था। उसके आसपास मेन रोड गुजर रहा है, सड़कें हैं, जंगल हैं, क्या है। और फिर खेत की सीमा के लिए ऐसे वनस्पतियां लगा देते थे जो जल्दी हटता नहीं था। तो ये सब चीजें हैं, तो पूरा सिस्टम था। चोरी चमारी बिल्कुल नहीं होती। हर दरोगा जो कोतवाल होता था उसकी ड्यूटी होती थी कि आपको इतनी सुरक्षा पाबंदी रखनी है कि किसी भी प्रकार की चोरी डकैती छीना झपटी ना हो। अगर होता है तो ये वजह आप होंगे और आपसे ही वसूला जाएगा। इस डर से कोई चोरी चपाटी होती ही नहीं थी क्योंकि दरोगा खुद अकाउंटेबल हो जाता और उससे वो रकम वसूली जाती, कुछ नहीं होता। आज अगर ये काम कर दीजिए तो यकीन मानिए एक भी चोर या एक भी ऐसा परिंदा पर नहीं मारेगा। और यहां तो सिस्टम ही अलग है। तो ये चीज है, तो ये ध्यान रखने की चीज है। अब आगे की कड़ी में हम बताएं आपको, अब अगला पॉइंट क्या बनता है उसको देखिए। तो एक तो ये हो गया, हम देखते हैं विसेंट स्मिथ नाम का एक इतिहासकार है, वो लिखता है कि शेरशाह सूरी के समय में लॉ एंड ऑर्डर इतने टाइट थे कि 12 बजे रात में एक बूढ़ी स्त्री माथे पर गहनों की टोकरी लादे भी अगर ही चली जाए तो किसी की हिम्मत नहीं है कि उसके सामान को कोई लूट ले, बिकॉज ऑफ दिस रीजन। तो ये चीज है, जितने जमीन के कागज तैयार हुए हर किसान को उसकी जमीन का ऑनरशिप राइट, मालिकाना हक, उसे लिख करके कागज पर उसे सुपुर्द किया, जिसे एक नाम दिया क्या, पट्टा। पट्टा का मतलब यह हुआ, द ऑनरशिप राइट इन रिटर्न फॉर्म दैट गिवन बाय स्टेट टू ऑल फार्मर्स। ही इज द फर्स्ट रूलर इन द वर्ल्ड, बट वी हैव टू फोकस ऑन इन इंडियन हिस्ट्री, हु गिवन ऑनरशिप राइट टू फार्मर इन रिटर्न फॉर्म, नोन एज पट्टा। इंग्लिश में भी PAWTA पट्टा ही लिखा जाए। और जितने भी गांव थे सबसे कलेक्टिवली रेवेन्यूज का वादा करवाया और उसका कागज बनवाया, प्रॉमिस लेटर ले लिया, सच प्रॉमिस लेटर टू पे फिक्स्ड रेवेन्यूज टू द स्टाफ ऑफ गवर्नमेंट, रेवेन्यू स्टाफ ऑफ द गवर्नमेंट, दैट्स कॉल कबूलियत, यानी कबूल करवा लिया। तो कबूलियत और पट्टा बोथ इशूड बाय शेरशाह सूरी, तो ये याद रखना है। और ये कबूलियत रेवेन्यू डिपार्टमेंट में रखा जाता था और वसूलने के समय हार्वेस्टिंग के टाइम में इसे ये शो करके टैक्स वसूला जाता था। तो इतना बड़ा ये काम किया। अब आइए, तो आपने देखा दाग और हुलिया फिर से लाया, सड़कें बनवाई, कंस्ट्रक्शन वर्क किया, रेवेन्यू सिस्टम को डेवलप किया, पट्टा और कबूलियत दिया, ये सब काम किया। इसके अलावे और देखिए इसका क्या इंपॉर्टेंस है, तो ध्यान देंगे। इसके समय के एक युद्ध तो आपने देख लिया, द बैटल ऑफ चौसा, बैटल ऑफ कन्नौज। अब एज ए रूलर जो युद्ध करता है तो हम देखते हैं उसने बंगाल को 1541 में जीत लिया, मालवा को 1542 में, ग्वालियर को 1542 में, रणथंभौर को भी जीत लिया 1543 में, रायसीना का फोर्ट जीत लिया,
इसी तरह से हम देखते हैं सिंध और मुल्तान भी 1543 में जीत लिया। और अब 1543 में देखिए क्या होता है, 1543-44, लेकिन 43 पर याद रखिएगा, 1543 में शेरशाह सूरी ने आज के जोधपुर को मारवाड़ कहा जाता, जहां राठौर वंश का शासन था, मारवाड़ के राजा मालदेव थे, उसके साथ युद्ध किया। जिस स्थान विशेष पर युद्ध हुआ उसको नाम लेकर के, इस युद्ध का एक नाम है द बैटल ऑफ सुमेल। द बैटल ऑफ सुमेल यानी सुमेल का युद्ध। सुमेल का युद्ध ध्यान रखना है, ये कहां हुआ, तो सुमेल नाम के जगह पे। तो बैटल ऑफ सुमेल 1543 फाउट बिटवीन शेरशाह सूरी एंड मालदेव किंग ऑफ मारवाड़, इसी को मारवाड़ का युद्ध, जोधपुर का युद्ध कहते हैं। मालदेव वॉज ए ग्रेट किंग, इन द फर्स्ट स्टेज ही डिफीटेड टू शेरशाह। शेरशाह सूरी को लगा हार गए तो गए, शेरशाह सूरी ने एक पत्र मालदेव के खेमे में लीकेज करवा दिया, जिस पत्र का मजमून ये था कि मतलब चित्तौड़गढ़ के राजा इसकी मदद के लिए चल पड़े हैं अपनी फौज के साथ, तो हिप्नोटाइज कर दिया। और फाइनली हम देखें तो मालदेव हथियार डाल दिया और शेरशाह सूरी ने जंग जीत लिया। जंग जीतने के बाद शेरशाह सूरी ने एक स्टेटमेंट दिया, वो ये, मुट्ठी भर बाजरे के लिए हमने हिंदुस्तान की हुकूमत लगभग खो दी थी। यानी अगर हम जीत भी जाते तो जोधपुर मारवाड़ से रेगिस्तानी एरिया क्या था, मुट्ठी भर बाजरा, और अगर हार जाते तो हिंदुस्तान के तख्त मेरे हाथ से चली जाती, ये कहने का मतलब था। तो ये याद रखिएगा, पॉइंट क्लियर। अब आइए बात को समझिए। सो इन दैट ग्राउंड ये स्टेटमेंट किसने दिया और कब दिया, ये सवाल आता है। मुट्ठी भर बाजरे के लिए हमने हिंदुस्तान की हुकूमत लगभग खो दी थी। चलिए यहां तक आ गए, अब अगले पॉइंट पर। अब अगला पॉइंट क्या कहता है, तो सुमेल का युद्ध हुआ, अब है कालिंजर का युद्ध। देखिए बेटा, कालिंजर नाम का एक जगह है जो आज उत्तर प्रदेश के बांदा डिस्ट्रिक्ट में है, और कालिंजर फोर्ट है, किला है, मध्यकाल का बहुत महत्वपूर्ण किला था। कालिंजर फोर्ट को कहा जाता है गेटवे ऑफ सेंट्रल इंडिया, मध्य भारत का द्वार। अहमदनगर में असीरगढ़ के किले को, महाराष्ट्र में है, कहा जाता था गेटवे ऑफ साउथ इंडिया, दक्षिण भारत का द्वार। और कंधार जो था अफगानिस्तान वाले पार्ट में, उसे कहा जाता था गेटवे ऑफ सेंट्रल एशिया। ये चीज है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और जो दिल्ली है, दिल्ली का नाम हुआ गेटवे ऑफ इंडिया, ऐसे समझिए। तो ये याद रखना है। अब आते हैं हम कालिंजर फोर्ट पे, उसने आक्रमण किया, वहां पे राजा बुंदेला रतन सिंह नाम था, उससे लड़ाई हुई, और लड़ते हुए देखते हैं 1545 में एक इसी के तोप से निकला हुआ कैनन बॉल गोला कालिंजर के फोर्ट के दीवार से टकराया और लुढ़क कर वापस शेरशाह सूरी के पास ही आकर फट पड़ा, एक्सप्लोड कर गया। इस वजह से शेरशाह सूरी को बारूद से चोटें लगी और घायल हो गया, इंजर्ड हो गया। लेकिन सब लोगों ने लगा कि अब तो ये गए, लेकिन इसने कहा कि तुम जंग जारी रखो, हमें फतेह जीत की खबर दो, तभी हम मरेंगे। जंग चली, दो दिन चली, कालिंजर फोर्ट को जीत लिया गया, और इस तरह से फाइनली कालिंजर फोर्ट को जीता, और जीतने के बाद मृत्यु को प्राप्त हुआ। तो उसकी अंतिम विजय कालिंजर विक्ट्री थी। और सवाल बनता है,
हिंदुस्तान के इतिहास में वह बादशाह जो बारूद के फटने से घायल होकर मरा, यही है वो। क्या कालिंजर युद्ध जीतने के बाद मरा या पहले? बाद मरा। युद्ध जीता? हाँ जीता। तो ये ध्यान में रखना। तो शेरशाह सूरी की ये बातें हैं। अब आइए, शेरशाह सूरी का जो एक सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है जो बार बार आपसे पूछता है, जिस रुपए का हम इस्तेमाल कर रहे हैं करेंसी के तौर पर, इस रुपए का जन्मदाता क्रिएटर शेरशाह सूरी है। शेरशाह सूरी ने 1541 में 1541 में एक करेंसी मुद्रा चलाया जिसका नाम उसने रुपया रखा। इस रुपए का वो चांदी का मटेरियल था, उसका फिजिकल कंटेंट जो था चांदी था, सिल्वर, और वो 180 ग्रेन, कहते हैं 180 ग्रेन का था, यानी 180 ग्रेन वजन का था। तो 180 ग्रेन वजन का मतलब है कि वो इल्तुतमिश के टंका से हैवी था, ये मतलब है। तो चलिए, ये तो बात हो गई, और इसका नाम रखा रुपया। ये रुपया 1835 तक वैलिड था, यानी ये रुपया 1835 तक लीगल करेंसी थी, चलता था। तो रुपया इसी ने चलाया, चांदी का था 1541 में और चला 1835 तक, ये याद रखिएगा। अब अगले पॉइंट पर आइए। जैसा मैंने कहा आपसे कि इसकी मृत्यु जो है 22 मई 1545 को हो गई, जैसा कि मैंने कहा कालिंजर किले में बारूद के फटने से। अब आइए, कुल मिलाकर के जो परिस्थिति बनी शेरशाह सूरी की बात हो गई, अब हम वापस कहां चले? मुगल में आ जाए। मुगल अंपायर फिर से एक बार 1526 से 1857 थर्ड नंबर का है, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जो 14 फरवरी 1556 से 16 अक्टूबर 1605 AD तक रूल किया, ठीक है, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, लगभग 50 ईयर्स। जरा गौर फरमाइए, बर्थ कब था बेटा? 15 अक्टूबर 1542। देखा आपने, बर्थ है 15 अक्टूबर, डेथ है 16 अक्टूबर, गद्दी नशीन कोरोनेशन हुआ 14 फरवरी 1556 को, देखा आपने। तो 13.5 ईयर ओल्ड एट द टाइम ऑफ कोरोनेशन, राज्याभिषेक के समय ये सिर्फ 13.5 साल का था और अनपढ़ भी था। अनपढ़ मतलब इलिटरेट, यानी उस टाइम तक उसकी शिक्षा दीक्षा नहीं हुई थी, बाद में वो एजुकेट हुआ, दैट टाइम वॉज इलिटरेट, ये कहने का मतलब। तो एक पॉइंट तो क्लियर हो गया आपका, ठीक है। तो ये देखिए रूलिंग क्या है, लॉन्गेस्ट
रूलिंग टाइम, तो सबसे लंबा शासन किया। जलालुद्दीन का अर्थ क्या होता है? सन, सूरज होता है। अकबर का मतलब क्या होता है? ग्रेट, यानी महान। तो अकबर का अर्थ होता है महान। तो अकबर का अर्थ है महान, जलालुद्दीन का अर्थ है सूरज। 14 फरवरी वैलेंटाइन डे के दिन ये गद्दी पर आया, जो दादा का जन्मदिन है, बाबर का जन्मदिन भी है। 1556 में बैठा, 16 अक्टूबर को डेथ कर गया 1605 में। 50 वर्ष का शासन किया। 15 अक्टूबर बर्थ है, 16 अक्टूबर डेथ है, अंडरस्टैंडिंग याद रहेगी। जब गद्दी पर बैठा तो 13.5 वर्ष का था। अब आप इसे देख चुके हैं, राज अभिषेक कहां हुआ यह पूछता है। कलानौर, बाग, पानीपत, इन द बैटल फील्ड, बाय बैरम खान। बैरम खान ने इसका राजाभिषेक किया, ठीक है। तो यहां तक आप आ गए। अब अगला पॉइंट इसका बनता है, इसने अपना एक टाइटल रखा, और टाइटल रखा क्या? सम्राट। तो सम्राट का टाइटल ये रखा, खुद को सैयद कहेगा, दो ही मुगल बादशाह हुए जो सैयद कहलाए, लेकिन आपसे यही पूछेगा, लेकिन हाई लेवल पे पूछेगा सैयद अपने आप को किसने कहा ये, पर सम्राट अकेला यही है जो इसने किया। अब है ये फाउंडर तो नहीं है, रीफाउंडर, रीएस्टेब्लाइजर कह सकते हैं, पुनर्संस्थापक, रीफाउंडिंग किया तो रीफाउंडर है ये, तो ये ध्यान में रखना। यहां तक तो समझ गए बेटा। चाइल्डहुड नेम क्या था? बद्रुद्दीन। इसका बचपन का नाम क्या था बेटा? बद्रुद्दीन। जब उसे चांद दिखाया गया तो बद्रुद्दीन, बद्र मतलब क्या होता है? बद्र का अर्थ मून होता है, तो ये याद रखिएगा। बड़ा होकर जलालुद्दीन बन गया, तो ये चलिए यहां तक समझ में आ गई। अब आइए इसके कुछ पर्सनल्स, रिलेटिव्स की बात करें, ये पूछता है इसीलिए, तो मैं यहां मिटा रहा हूं, अगले पर चलते हैं, ध्यान देते, ठीक है। अब अकबर के संदर्भ में देखते हैं हम, तो बात होनी चाहिए क्या? फादर, फादर कौन है? हुमायूं है। मदर कौन है? हमीदा बानो बेगम, जिन्हें हम आप क्या कहते हैं? मरियम मकानी, टाइटल के तौर पर मरियम मकानी कहा गया, जो खुद अकबर ने अपनी इस मां को टाइटल दिया। तो यहां तक समझ में आ गई बात। अब अगले पॉइंट पर आते हैं, ये तो हो गया मां और पिता की बात, अब बात करें गुरु यानी ट्यूटर की बात करें, इसके ट्यूटर कौन थे? तो ट्यूटर है बैरम खान। तो गुरु कहिए, टीचर कहिए, ट्यूटर कहिए या कहिए,
अतालिक, अतालिक मतलब शिक्षक। तो इसका शिक्षक कौन है? बैरम खान है। ठीक है, पथ प्रदर्शक सब कुछ बैरम खान है। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के लिए चाणक्य है, ठीक वैसे ही अकबर के लिए बैरम खान है। अब आते हैं अगले पॉइंट पर। अब देखते हैं हम कोका मां कौन कौन थी। तो माहम अंगा एक, और दूसरी थी जीजी अंगा। ठीक है, याद रखिए कोका मां। अब आता है कोका फादर। तो कोका फादर कौन हुए? तो इसके जो हस्बैंड थे जिसका नाम था माहम का अतका खान, और इसके हस्बैंड थे मुनीम खान। तो कोका फादर दो है, अतका खां एंड मुनीम खां। कहने का मतलब है माहम का जो हस्बैंड है और जीजी का जो हस्बैंड है वो ऑलरेडी इसके फादर हो गए। अब होता है कोका भाई ब्रदर। एक था अधम खां और दूसरा था मिर्जा अजीज कोका, मिर्जा अजीज कोका। और बहन भी थी खुदाबंद ज़ादा, कोका सिस्टर, खुदा बंद ज्यादा। ये मेरा ख्याल से थोड़ा सा ये देखिए आ गया। ठीक है, ध्यान में रखना है। अब कहेंगे कोका का मतलब क्या होता है सर? कोका मतलब दूध का रिश्ता, यानी फीडिंग। ठीक है, जैसे मैं हूं बेटा, मैं अपनी मां का दूध पिया हूं। मुहावरे भी है, मां का दूध कितना पिया है। मैं अपनी माँ का दूध पिया हूँ और माँ के गर्भ से पैदा हुआ हूँ। लेकिन मैं जिसके गर्भ से नहीं पैदा, लेकिन हमारे माँ तुल्य जो है, जैसे मौसी माँ के तुल्य होती हैं, चाची माँ के तुल्य होती हैं, तो चाची और मौसी माँ के तुल्य हैं, और अगर वो भी फीडिंग मदर है उस टाइम में, तो अब होता है ना कभी कभी बच्चा कि चलो ये तुम जरा इसको दूध पिला दो, तुम इसको दूध पिला दो, कभी होता है। तो जैसे अगर मैंने अपनी चाची का स्तनपान किया तो चाची मेरी कोका मदर हो गई, दूध के रिश्ते की मां। चाची हो गई तो उनके हस्बैंड चाचा हमारे कोका फादर हो गए, और उनके संतान हमारे कोका भाई बहन हो गए। तो माहम और जीजी जो है अकबर के कोका मदर थी, और उनके हस्बैंड जो हुए अतका खां मुनीम खां वो कोका फादर हो गए, और इनके जो बच्चे हुए वो अकबर के ऑलरेडी कोका भाई और बहन हो। तो ये चीजें हैं। अब जरा गौर फरमाएंगे, कोका ब्रदर में अधम खान है, आपको भी मालूम है कि अधम खान जो है कुछ गलतियां की थी जो आगे हम कहानी में बताएंगे। अधम खान को सजा मिली
कि इसे महल के छत से नीचे फेंक कर मार दो। एक बार में नहीं मारा, कहा इसकी लाश को लाओ दोबारा मारो, और इस तरह से जो है उसे मार दिया गया। तो याद रखने की चीज है कि अधम खान जो है, ठीक है, इसे छत से फेंक कर मारा गया अकबर के कहने पर। और अधम खान किसका बेटा था? अधम खान जो था वह माहम अंगा का बेटा था, माहम अंगा का बेटा था, और खुद ही जाके सूचना दे दिया कि हमने मां ने ऐसे ऐसे किया। तो ये चीज, चलिए यहां तक समझ में आ गई बात, इसे मिटाया जाएगा, ठीक है। अब आइए इसको मिटाते हैं। फादर की बात हो गई, गुरु की बात हो गई, कोका फादर, कोका ब्रदर, कोका सिस्टर, ये सब गया। अकबर की जो ये दो कोका मां है, ये प्राइम मिनिस्टर फर्स्ट, प्राइम मिनिस्टर सेकेंड, ओनली टू लेडी इन मुगल बिकम पीएम। यानी वजीर, रिमेंबर मुगल के इतिहास में ऐसी दो महिलाएं जो वजीर यानी मंत्री यानी प्रधानमंत्री बनी। तो याद रखिएगा यही दो महिलाएं हैं जो प्रधानमंत्री बनी, पहले माहम, माहम के मरने के बाद जीजी जो है वजीर बनी। इन दोनों को क्या हैसियत दी गई थी? वजीर की ताकत दी गई थी, वजीर की हैसियत दी थी, ये ओहदा दिया गया था। ये सवाल आता है वजीर का, यहां तक तो समझ में आ गया। अब आप बात करते हैं वाइफ की। गुरु हो गया, मां हो गया, फादर हो गया, कोका सिस्टम हो गया, वाइफ की। तो अकबर की तीन बीवियों का जिक्र है, फर्स्ट रुकैया बेगम, रुकैया बेगम, ठीक है ना, इशू लेस रही। रुकैया बेगम को बच्चे नहीं हुए, रुकैया बेगम को बच्चे नहीं हुए, ना औलाद रही, यानी इशू लेस रही। दूसरी वाइफ आती है सलीमा बानो बेगम, जो एक अच्छी पेंटर यानी चित्रकार थी सलीमा। ठीक है, शी वॉज लवर ऑफ अकबर इन एडोलेसेंट एज, एडोलेसेंट एज, बट लेटर ऑन मैरिड विद अकबर्स गुरु बैरम खान एंड बिकम मदर ऑफ अब्दुल रहीम
खान एक खाना, ठीक है, नवरत्न था अकबर के दरबार का। आफ्टर असैसिनेशन ऑफ बैरम शी मैरिड विद अकबर। ये ध्यान बेटा, अकबर की मोहब्बत थी इस सिया लड़की सलीमा बानो बेगम से, जो ईरान से आई थी और इनके दरबार में रहती थी, दूर की रिश्तेदार थी। और अकबर जब कबूतरबाजी करता था तो नैन मटक्कों के साथ थोड़ी बहुत इन्फैचुएशन थी, मोहब्बत थी, इन्फैचुएशन थी, यंग एज था। लेकिन बैरम खान ने कहा कि ये आपकी रिश्तेदार लगती हैं और आप शाहजहाँ, मतलब जहाँ के बादशाह हैं, आपको ये अच्छा नहीं लगता, रिस्ट्रिक्शन डाल दिया। और कुछ दिन के बाद बैरम खान उस अपने से तीन गुनी छोटी उम्र की लड़की से शादी कर लिया, अपने से तीन गुनी छोटी उम्र की लड़की से शादी कर लिया। समय के साथ एक बेटा भी हुआ, जिसको आप रहीम के दोहे पढ़ते हैं, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे तार खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर, रहीमन निजमन की व्यथा मन ही राखो गोई, सुन इठलई है जग बाट न ली है कोई। तो यही कोरोना की हालात है। कहने का मतलब यह है कि रहीम, अब्दुल रहीम ये नाम था, ये हिंदी में कविताएं लिखती थी, तो इसलिए कहते हैं मुगल काल का वह मुसलमान कवि जो हिंदी में कविता लिखता था रहीम, ये वही अब्दुल रहीम है। खान एक खाना उसको टाइटल दिया था अकबर ने, और अकबर के नवरत्न में एक नवरत्न अब्दुल रहीम भी था। होता क्या है बैरम खान के संदर्भ में, तो देखेंगे कैसे होगा, वो भी कहानी बताएंगे। अब आगे आइए, तीसरी बीवी का जिक्र करते हैं, तो थोड़ा सा हम इसे मिटा देते हैं, समझ ही गए मामला क्या था, ठीक है ना। सलीमा बानो बेगम, शी वॉज पेंटर, आर्टिस्ट, चित्रकार, शी वॉज लवर ऑफ अकबर इन एडोलेसेंट एज, बट लेटर ऑन मैरिड विद अकबर्स गुरु बैरम खान एंड बिकम मदर ऑफ अब्दुल रहीम खान ए खाना नवरत्न, एंड आफ्टर एसोसिएशन ऑफ बैरम खान शी मैरिड विद द अकबर। टू मिनट्स, हाँ बच्चा,
चलिए बेटा बात को आगे बढ़ाते हैं। तो सलीमा आ गई, अब जो तीसरी वाइफ है, वन क्लियर टू क्लियर थर्ड, उसका नाम है फरखाबाई अलियास यानी उर्फ। योद्धाबाई सो कॉल्ड जोधाबाई, शी बिलोंग्स फ्रॉम आमेर यानी जयपुर, कछवाहा राजपूत फैमिली ऑफ फैमिली फादर बिहारी मल या फिर भारमल, हर ब्रदर नेम भगवान दास जो नवरत्न था। ठीक है, अब जो रुकैया है उसका टाइटल, सॉरी हरखाबाई का टाइटल क्या है? इसका टाइटल है मरियम उज जमानी, मरियम उज जमानी टाइटल जो अकबर ने खुद ही दिया। ये ध्यान रखना, तो ध्यान देना है हरखाबाई इसका एक्चुअल नेम है। युद्ध कला में निपुण थी, मास्टरी थी, तो योद्धाबाई नाम पड़ा जो घिस करके जोधाबाई हो गया, तो जोधाबाई नाम पड़ा। वैसे ओरिजिनल नेम हरखाबाई, अकबर ने इसे टाइटल दिया मरियम उज जमानी। और ये जयपुर के राजा बिहारी मल या भारमल की पुत्री थी, जो कछवाहा राजपूत होते हैं, और जयपुर को आमेर कहा जाता था। तो याद रखना ये बिहारी मली है जो सबसे पहले अकबर की मुगलों की अधीनता को कबूल किया और अपनी तरफ से वेलकम किया अकबर को अजमेर शरीफ जाते हुए, और अकबर को ऑफर किया कि मैरिज रिलेशंस डेवलप कर लेते हैं, अच्छा रिश्ता रहेगा, और ऑफर में अपनी बेटी की शादी अकबर से की। तो ये चीज़ें ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया आपका? ठीक है, अब है तीन वाइफ का जिक्र आ गया। अब आपके इतिहास के पन्नों में मुगल में ही होता है कि एक और जोधाबाई कौन थी। एक और जोधाबाई जोधपुर से थी, मोटा राजा की बेटी थी, वो जहांगीर की वाइफ बनेगी, टाइटल उसे जगत गोसाई मिलेगा। तो याद रखिएगा मुगल में दो जोधाबाई है, ये हरखाबाई जोधाबाई है और एक जहांगीर की, यानी इस जोधाबाई की पुत्रवधू होगी, यानी जहांगीर इसका बेटा होगा और जहांगीर की वाइफ होगी, वो अलग है जोधाबाई। चलो तो तीनों बीवी का जिक्र हो गया, चलो पॉइंट क्लियर मिटाया जाए, वाइफ से आप निपट गए। तो तीन वाइफ की जिक्र थे और पुत्र की बात करें सन, ओनली वन लिविंग सन जहांगीर उर्फ
सलीम। अकबर के दो तीन पुत्र हुए लेकिन सभी मर गए और एक जिंदा रहा जो जहांगीर हुआ। तो जहांगीर एकमात्र जीवित पुत्र था जो बाद में बादशाह बनेगा। ठीक है, तो चलिए यहां तक आप समझ में आ गई बात आपको। तो जलालुद्दीन की फैमिली बैकग्राउंड के लिए अब अकबर का पर्सनल शौक वगैरह देखते हैं। ठीक है, पर्सनल शौक अब अकबर का जो पर्सनल है उसके संदर्भ में देखें तो एक पॉइंट निकल के आता है। पर्सनल कंसर्न इसका क्या है? ये ढोलक बाज है, ठीक है, मैस्ट्रो। बाज मतलब कोई बजाने वाला, ढोलक बाज यानी ढोलक मैस्ट्रो है एक। दूसरा अगर हम देखें तो इसका मतलब है ये संगीतज्ञ है, बिल्कुल म्यूजिशियन है, ढोलक बजाता है। वीर हमजा की कहानी सुनने का शौक। तो वीर हमजा ईरान का एक बड़ा ग्रेट मैन था जिसकी बहुत सारी माइथोलॉजिकल स्टोरी थी, उससे बहुत इंस्पायर था। तीसरा, कबूतरबाजी का शौक था, कबूतरों को दाना खिलाना ये काम करता था। इसने 1000 चीता पाल के रखा था। कितना? थाउजेंड्स पैंथर। आज के अखबार में मैंने आपको दिया है ना कि साउथ अफ्रीका से 3 चीता लाया गया है और भारत में इसे बसाया गया है। भारत में चीता नहीं है ना, तो याद रखिएगा नेशनल पार्क में डाला जाएगा उसको। तो 3 चीता आया है, ध्यान देना। कबूतरबाजी का शौक, 1000 चीता पाल रखा था। बाघ एवं हाथी की लड़ाई देखने का शौकीन, तो बाघ एवं हाथी की लड़ाई देखने का शौकीन था। फॉन्ड ऑफ एज ए स्पेक्टेटर ऑफ, ठीक है, टाइगर्स एंड एलिफेंट्स रेसलिंग। अगला, पागल हाथी को बस में करने का शौक था। चांदनी रात में फुल मून में गेंद बना करके खेलता था। चांदनी रात में गेंद खेलने का शौकीन था। अच्छा है, आंख तेज होगी, दुश्मन को समझ में आएगा कहां छुपा है। चीजें, हर चीज में कुछ ना कुछ राज छिपा है। अब अगला जो इसका है, एक अच्छा चिंतक था। ही वॉज ए गुड थिंकर। अकेला घंटों बैठा रहता था, सोचता रहता था, तो थिंकर बहुत अच्छा था, ये याद रखिए। हम लोग तो कान में लीड लगा के बैठ जाते हैं बहुत जल्दी, नहीं तो ये नहीं था, चिंतक था। अच्छा, इसको हम आविष्कार करते देखते ही, इन्वेंट पिस्टल, और पिस्टल यानी कट्टा कह सकते हैं, ठीक है, पिस्टल का आविष्कार किया, नेम्ड उसका नाम संग्राम सिंह रखा।
इसने एक पिस्टल बनाया और अपने पास रखता था, नाम रखा संग्राम सिंह। ये जो राणा सांगा था चित्तौड़गढ़ का, जो इसके दादा बाबर से लड़ा था, उसकी वीरता से ये बहुत अभिप्रेरित था, इसलिए इसने इसका नाम रखा था संग्राम सिंह, जिसका आविष्कार इसने खुद ही किया था, इन्वेंट किया था। तो ये ध्यान में रखेंगे, संग्राम सिंह। यहां तक तो आप समझ गए इस बात को, अब आगे आते हैं। ये सब चीजें उसके पर्सनल लेवल पर देखेंगे, ठीक है। अब आते हैं, ये जब गुस्से में आता तो इसके मूंछ के बाल खड़े हो जाते, कुछ भी हो जाए हमें उस सबसे क्या, ऐसे पचासों कहानियां हैं, उनसे कोई लेना देना नहीं है। अब आइए नेक्स्ट लेवल पे आते, समझ में आ गई बात बेटा। नेक्स्ट लेवल पे आए तो बात बनती है 1556 से 62, ये एक पॉइंट है। फिर है 1556 से 62, ये है बैरम खां का समय। बैरम खान इसका अतालिक है, गुरु है, सब कुछ है। एक पोस्ट क्रिएट किया गया था वकील इधर, सारी बात बैरम खान पे। इस पद पर एक बार बैरम खान आया और इसके बाद कोई भी इस पोस्ट पर नहीं आया, इस पोस्ट को डिसक्रिएट कर दिया गया। तो याद रखिएगा बैरम खान के संदर्भ में जो मैंने बात कही वो चीज है। ठीक है, तो याद रखना है वकील दर्द था। अब हम देखते हैं बैरम खान के संदर्भ में, बैरम खान ही है जो सब कुछ है। देखा जाए तो सिया था, ये सिया है और इसकी हत्या दमयक सिंध में खोखर जाति के लोगों ने कर दिया, जब परिवार सहित मक्का जा रहा था। तो इस तरह से हम कहते हैं कि बैरम खान का अंत कब हुआ, तो बैरम खान का अंत कब हुआ, 1562 में बैरम खान का अंत हो गया। ये बार बार पूछेगा कि बैरम खान कब से कब, कब उसका अंत, कहां पर अंत, किसने किया और तब वो कहां जा रहा था। वो कहां जा रहा था, एक्चुअली सलीमा से शादी कर लिया था, गुरुजी बीच में आ गए, अकबर को बुरा लगा, जब देखा कि एक तरफ महामंगा जेजियंगा है और एक तरफ जो है ये है, दोनों डिसीजन लेते हैं, इन दोनों में पिस जाते हैं हम नाबालिग, तो ये दिल्ली आ गया शिकार के बहाने और दिल्ली से फरमान जारी कर दिया अपने गुरु को, या तो फलाने जगह की सूबेदारी ले लीजिए, गवर्नरशिप, या फिर बुजुर्ग हो गए मक्का की शहर पे हो आइए, यानी रिटायर कर जाइए। वही हुआ, बैरम खान ने कहा कि मक्का जाएंगे, परिवार समेत जा रहे थे, खोखरों ने मौत की नींद सुला दी। अब बैरम खान की पत्नी सलीमा और वो नाबालिग बैरम का बेटा जो सलीमा से हुआ था, नाम उसका था अब्दुल रहीम, दोनों अब दरबार में आ गए, तो सलीमा को इसने वाइफ के रूप में रखा और रहीम को बेटे के तौर पे पाल पोस के बड़ा किया। तो ये चीज है, समझ में आ गई बात, तो ये हो गया। अब अगले पॉइंट पर आइए, इसको मिटाया जाएगा। अब है 1556 से 1564,
पेटीकोट गवर्नमेंट या रूल, जिसे आप कहते हैं पर्दा शासन, पर्दा पेटीकोट यानी फीमेल से रिलेटेड, तो फीमेल से रिलेटेड यानी कि इस समय तक अकबर का ज्यादा कुछ नहीं चलता, सारे डिसीजन पर्दे के पीछे जनान खाने में माहम और जीजी ले लेती थी, उसे बस गद्दी पर बैठ के सुनाना होता था और इसलिए हमेशा बैरम खान और जनान खाने के बीच में टसल होता था जिसमें पिस ये जाता था। बात समझ आई? बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी सास और बहू में होता है झगड़ा झंझट मन मुटाव, तो जो बीच में हस्बैंड है, जो अपनी माँ का बेटा है, जो अपनी बीवी का पति है, कभी दुलारा है माँ का तो कभी बीवी का भोला, वो पिस जाता है। वैसे ही जो है जनाब पिस रहे थे, इसको पर्दा शासन कहते हैं। अब यहां से आप इसको फ्री कर, अब आ जाइए हम अकबर के संदर्भ में कुछ कॉमन बातों को ले, क्योंकि अभी कुछ समय जो है इसमें कॉमन बात ले ले। तो अकबर के दरबार के जो हैं और कंस्ट्रक्शन, तो पहले कंस्ट्रक्शन वर्क को लेते हैं, निर्माण कार्य। तो निर्माण कार्य में देखते हैं, एक आगरा ले लेते हैं पहले, फिर हम इसे दिल्ली का, एक आगरा ले लिया, फिर हम ले लेते हैं बेटा ये क्या कहते हैं इलाहाबाद, फिर हम बात करें तो वहां क्या कहते हैं लाहौर, ये तीन शहर की हम बात करें फर्स्ट ऑफ ऑल, और फिर एक करें फतेहपुर सीकरी, सीकरी। जो परमानेंट कैपिटल होता था वह आगरा था, पूरे मुगल के टाइम में राजा जहां परमानेंटली है वो आगरा है, और आगरा परमानेंट कैपिटल, शिफ्टेड कैपिटल जो है जो शिफ्ट करता है टाइम बीइंग, शिफ्टिंग कैपिटल अपार्ट फ्रॉम आगरा फतेहपुर सीकरी, दूसरा बेटा इलाहाबाद, लाहौर, ये शिफ्ट करता रहा, ये ध्यान रखिएगा ये शिफ्ट करता रहा। एक्चुअली क्या होता है कि जब बादशाह जहां है वो परमानेंट एक आगरा है, लेकिन बादशाह अगर किसी क्षेत्र में, ठीक है, बादशाह किसी क्षेत्र में किसी एरिया में गया हुआ है तो साल दो साल उधर ही रह रहा है, तो वही कैपिटल है जहां वो हेडक्वार्टर बनाएगा, वो कैपिटल हो जाएगा। तो ये सब जो है शिफ्टिंग कैपिटल है। तो अकबर के समय में तीन शिफ्टिंग कैपिटल समय समय के साथ रहा। 1967 से लेकर 77 के आसपास फतेहपुर सीकरी था, अपार्ट फ्रॉम आगरा सीकरी था। फिर देखते हैं 80 से लेकर 89 के आसपास वो रहा इलाहाबाद रहा, और फिर हम देखते हैं लगभग 1600 ईस्वी तक रहा लाहौर। तो ये चीजें हैं, तो याद रखना है, इसके लिए सवाल बनता है। चलिए यहां तक आप आ गए, परमानेंट कैपिटल और शिफ्टिंग कैपिटल, ये एक तो आप समझ गए। अब आइए नेक्स्ट की बात, आगरा में आते क्या क्या बना। एक तो रेड फोर्ट बनाया, हम आप सब जानते हैं यमुना के किनारे है, और रेड फोर्ट इसीलिए कि रेड सैंडी स्टोन मटेरियल है, इसलिए रेड फोर्ट कहते हैं। लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया, इसलिए रेड फोर्ट कहते हैं। एक पॉइंट।
अब आइए रेड फोर्ट के अंदर में दीवान ए आम बनाया, जहां पर आम लोगों के साथ रूबरू होते थे, आवाम से जनता से रूबरू होता, उसे दीवान ए आम कहते हुए बैठक होती थी। फिर उसके बाद शीश महल बनवाया, शीश महल आमेर का जो जयपुर का किला है वहां शीश महल आज भी है, उसी को देख करके अपने यहां एक पूरे शीशे का डेकोरेशन वाला महल बनाया, जो इंटरनली इंटीरियर डेकोरेशन ग्लास का है। तो शीश महल बनवाया, जहांगीर महल राजपूताना स्टाइल में, तो राजपूताना आर्किटेक्चर्स में बना है जहांगीर महल, ठीक है। ये आपने देखा, ये कहां बनाया, तो आगरा में। अब आगरा में ही सिकंदरा जगह है, एट सिकंदरा टॉम्ब ऑफ अकबर इन बौद्ध, ठीक है, स्टाइल, थ्री स्टोरीज दैट बिल्ट बाय जहांगीर बट आर्किटेक्चर आर्किटेक्ट बाय बाय अकबर सेल्फ। अकबर ने खुद ही इसे डिजाइन किया था और मरने के बाद उसकी लाश वहां दफन हुई, और वहां पर मकबरा जो है वो जहांगीर ने बनाया, जो बौद्ध शैली में थ्री स्टोरीज है। ये ध्यान रखिएगा, ये सब हो गया आगरा का। आगरा से फ्री हो जाएंगे, आगरा से हम चलते हैं लाहौर, मिटाया जा सकता है यहां। ठीक है, आगरा से चलिए इलाहाबाद, इलाहाबाद भी कैपिटल था, यहां भी इसने बनाया रेड फोर्ट, बैंक ऑफ यमुना नियर संगम। बेटा संगम जहां पे गंगा यमुना सरस्वती नदी मिलती है, उस दो नदियों के कन्फ्लुएंस को संगम कहते हैं हिंदी में, कन्फ्लुएंस मिलन स्थल। तो संगम के पास है पर यमुना नदी के किनारे है। यू कांट से द बैंक ऑफ कन्फ्लुएंस ऑफ गंगा यमुना, नो, यू हैव टू से बैंक ऑफ यमुना नियर संगम, नियर कन्फ्लुएंस ऑफ गंगा यमुना। यहां बनाया गया, यहां भी रेड सैंड स्टोन है, तो ये हुआ, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। यहां भी एक महल बनाया, और अशोकाज का जो पिलर था कौशाम्बी में अपरूटेड एंड रीरूटेड इन द कोर्ट ऑफ दिस, तो अशोकाज पिलर अपरूटेड फ्रॉम कौशाम्बी एंड rooted in the court of Red Fort। ये हो गया।
तीसरा शहर है लाहौर। बेटा लाहौर में भी एक रेड फोर्ट बनवाया बैंक ऑफ रावी एट प्रेजेंट, आपको ही मालूम है पाकिस्तान, बैंक ऑफ रावी पाकिस्तान, तो ये याद रखने की चीज है। तो तीन जगह, अब जरा गौर फरमाइए कि इसने कहां कहां, आगरा, अलाहाबाद, लाहौर और रेड फोर्ट कहां कहां है, यू कैन अंडरस्टैंड, इन तीनों शहर में रेड फोर्ट है। नहीं, दो यमुना के किनारे, हाँ दो यमुना के किनारे और एक रावी नदी के किनारे। तो अकबर ने कितने लाल किले बनवाए, तीन। कहां कहां बनवाए, ठीक, कहां का लाल किला अकबर ने नहीं बनवाया, ग्वालियर का लाल किला अकबर ने नहीं बनाया, दिल्ली का लाल किला अकबर ने नहीं बनाया। तो याद रखिएगा, दिल्ली और ग्वालियर में भी लाल किला इसे इसने नहीं बनाया, ये ध्यान रखना। तो ये इंपॉर्टेंट है बेटा, यहां तक आप आ गए। अब ये तीन शहर भी हो गए, अब अगले शहर पर आते हैं, इसको मिटाते हैं। ये जो अजमेर शरीफ है, अजमेर शरीफ मालूम है, अजमेर राजस्थान में, अजमेर शरीफ जो है राजस्थान में, उसको देखें। हम बात करना चाहते हैं कि अजमेर शरीफ पे जो मजार है, मजार ऑफ शेख मुइनुद्दीन चिश्ती, बिल्ट बाय अकबर, मेड ऑफ रेड स्टोन। टू, तो ये भी आपसे पूछता है बेटा कि वर्तमान में जो शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, मजार है, जो पूरा बिल्डिंग है, वो कौन बनवाया, तो अकबर ने बनवाया था। तो यहां तक आप समझ गए, अकबर जो है मजार जो है शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की, टू टाइम ट्रेवल्ड, याद रखिएगा कितनी बार यात्रा किया था अकबर मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का, दो बार यात्रा किया था, ये ध्यान में रखिएगा। यहां तक क्लियरेंस मिल गया बेटा। अब इसका एक बड़ा शहर बाकी है, फतेहपुर सीकरी। तो फतेहपुर सीकरी हम बात करेंगे अगले, और हम शो कर देते हैं, फतेहपुर सीकरी की बात करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में, ये ध्यान में रखिएगा। और हाँ, ये जो क्लास है अकबर का, वो कल भी चलेगा, लेकिन कल थर्सडे और फ्राइडे है, तो कोई हर्ज नहीं है, हम इसको यहीं स्टॉप करेंगे, हम पॉलिटी को आगे बढ़ाएंगे, कल हम पॉलिटी पढ़ेंगे, ठीक है, ये ध्यान, कल परसों पॉलिटी पढ़ेंगे। और समय हो रहा है, चलिए फिर हम आपसे बात करते हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।